तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए, तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है दर्शना सिंह, सुनिए। ये जो जिला फतेहाबाद है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत ये अभिनंदन नन्ही परी की शुरुआत की गई है। एक नया इनिशिएटिव लिया गया है इसमें। इसमें जो है इसका मेन उद्देश्य है सेक्स रेशियो बढ़ाना और बेटियों के प्रति रुझान को बढ़ाना, क्योंकि जो बेटियां हैं पैदा होती है इनके जन्म उत्सव को जो उत्साहपूर्वक मनाएं और इनके प्रति जो बेटियों का जन्म होता है इनके प्रति जो हमारा जो एटीट्यूड है लोगों का, सोसाइटी का जो एक माइंड सेट है उसको चेंज करना, यही मेन उद्देश्य है इस स्कीम का शुरू करने का। और इसमें जो हमारा है 1100 रुपये का चेक और एक स्वीट बॉक्स और एक बधाई पत्र जिला प्रशासन की तरफ से, डीसी साहब, माननीय डीसी साहब की तरफ से और जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से साइन करके दिया जाता है, जिसमें कि बेटियों को किस तरह से उनका बेटियों का जन्म को उत्साहपूर्वक मनाया जाना है और किस तरह से कौन कौन सी स्कीम है जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। लाडली है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है और सुकन्या समृद्धि योजना है, जितनी भी स्कीम्स है चलाई जा रही है वो सारी स्कीम्स भी उस बधाई पत्र में दी जा रही है, जिसके बारे में भी लोगों को ज्ञान हो जाएगा और उसका सारी स्कीम्स का वो लाभ उठा पाए। आज भी एक बधाई पत्र महिला को दिया गया है जो ये आई थी, अभी आपके सामने ही दिया गया है, जो थी संजू वाइफ ऑफ राकेश, सुंदर नगर से ये फतेहाबाद की रहने वाली है। उनके एक बेटा था पहले और दूसरी बेटी हुई है। उनके उत्सव उनके बच्ची को हमें 1100 रुपये का चेक, एक स्वीट बॉक्स और एक बधाई पत्र। उसमें आवेदन के लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जो भी किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भी CHC में, किसी भी PHC में या सिविल हॉस्पिटल जो फतेहाबाद का है वहाँ का जो बच्ची जन्म लेती है उन सभी बच्चियों को हमने ये मतलब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 1100 रुपये की।